हम कुछ लॉन्गिंग के शिकायतें लेकर आए हैं, जहां मिसमैनेजमेंट, डुप्लीकेसी, करप्शन जो चीज़ हो रहा है, खासकर 59 लॉन्गिंग प्रमोट कॉन्स्टिट्यूंसी के एरिया में। मैं कुछ सबूत के तौर पे डिटेल्स एक कॉपी मीडिया हाउस को भी दिए हैं, और हम चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस, प्लानिंग सेक्रेटरी, आरडी सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी आरडब्ल्यूडी, सेक्रेटरी सॉरी कमिश्नर पीडब्ल्यूडी, सबको हम लोग कॉपी दे रखा है और सबूत के तौर पे सारे कॉपी हम पेश करेंगे। जैसे डुप्लीकेसी कहा जाए तो डुप्लीकेसी इस तरह से है, एक वहाँ पर चैटिंग करके एक गांव है, वहाँ पर फॉर एन इंस्टेंस तुमतोंग वन कॉलोनी चैटिंग करके एक रोड रखा है, और तुमतोंग वन टू गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चैटिंग करके रखा है। ये सेम काम है, प्रोजेक्ट स्कीम जो है अलग अलग नाम से दिया जा रहा है, यानी कि ये एक काम पे दो प्रोजेक्ट को वहाँ निकाल लेना चाहता है। ये करप्शन नहीं हुआ तो ये मिस यूज़ नहीं हुआ। जो वेलफेयर फंड है, जो अरुणाचल गवर्नमेंट अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ द चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी, जो भी स्कीम्स वेलफेयर स्कीम्स दिया जाता है, इसको इस तरह से हैंडल करेगा, इस तरह से मिसयूज़ करेगा, तो हमारा पब्लिक का बेनिफिट कैसे हो सकता है, ये हमारा सवाल है। और एक एक को इंडिविजुअल स्कीम डाला जा रहा है वहाँ पर, इसका भी एक उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूँगा। एक काम है जहाँ पे वांगसुहम एरिया, ये वांगसुहम एक इंसान का नाम है, और फिर और एक है जहाँ पे लेम्पू एरिया, ये एक हम किसी का अगेंस्ट करके किसी को नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है हमारा, बल्कि ये जो स्कीम दिया जाता है एज पर गाइडलाइंस द स्कीम शुड बेनिफिट एटलीस्ट 20 to 30 हाउसेस और द कम्युनिटी, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये एक इंडिविजुअल के नाम पे कुछ स्कीम को लिया जा रहा है, तो ये एक आदमी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को अपना घर में बैठा लेगा तो ये पब्लिक का बेनिफिट कहाँ हो रहा है। जैसे ये वांगसुहम और लेम्पू एरिया, ये दो बाप बेटे हैं, जाने क्या उसका वहाँ के विपक्ष, वहाँ के विधायक, वहाँ का जो पब्लिक लीडर का मर्जी से हो रहा हो या फिर उसका अपना मर्जी से हो रहा हो, कैसे हो रहा है ये मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो भी चीज़ हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये हमारा मानना है। और इसका जज, इसका जो फैक्ट फाइंडिंग जो है ज़रूर होनी चाहिए। और स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशंस जो है वहाँ पर बिल्कुल ही जो काम किया है वो भी बिल्कुल गलत किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ में एक उदाहरण के तौर पे और देना चाहूँगा, एक स्कूल प्ले ग्राउंड, फ्रेश प्ले ग्राउंड कटिंग के लिए ये एफसी फाउंडेशन कटिंग के लिए स्कीम है, जिसको जो एग्जिस्टिंग ग्राउंड है उसको 2-4 मीटर काट के जो है उसमें अगर जेसीबी लगाया हो तो भी 2 दिन लगा होगा, वो 2 दिन यानी कि 2 दिन का चार्ज अंडर 50,000 वो काम किया होगा, लेकिन वहाँ पे 50 लाख का स्कीम है। ये 40-50 हज़ार खर्चा करके ये पैसा निकालने का इरादा रखता है तो ये पब्लिक का बेनिफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ ग्राउंड बनना चाहिए, वहाँ में जो छोटा सा रूरल एरिया है, आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि लॉन्गडिंग एक न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट है, इन्फेंट डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ में अभी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स का सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ये ग्रोविंग एक न्यू
स्कीम इन्फेंट डिस्ट्रिक्ट सॉरी इन्फेंट डिस्ट्रिक्ट को एक अच्छा गाइडेंस का अच्छा इम्प्लीमेंटेशन का ज़रूरत है। जो स्कूल ग्राउंड है जहाँ में जितनी की ज़रूरत है उतना जो ग्राउंड बनना चाहिए था वहाँ पे पुराना छोटा सा जो वॉलीबॉल खेल के बैठने वाला ग्राउंड को 2-4 मीटर एक्सटेंड करके उसको मट्टी बिछा के नया ग्राउंड डिक्लेयर करके वहाँ से पैसा निकाल लेने से ये वहाँ से खेलकूद कैसे किया जा सकता है बच्चे। अभी हमारा जो दुनिया है इसमें खेल का दुनिया में खेलो इंडिया खेलो ये बहुत सारा जो है यूथ को अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, ये यूथ को वहाँ से अपना करियर बनाने का सपना देखता है, वहाँ में इस तरह का ग्राउंड काटेगा, वहाँ में ग्राउंड नहीं देगा, वहाँ से 2-4 मीटर पुराना ग्राउंड को एक्सटेंड करके पैसा निकाल लेगा, तो ये कैसे हमारा पब्लिक को बेनिफिट होगा, हमारा बच्चा को कैसे ये ज़िंदगी बनाएगा, ये हमारा सवाल है। तो हम सबसे रिक्वेस्ट है आप मीडिया फ्रेंड्स से और हम लॉन्गडिंग के जो कंसर्न सिटीजन होने के नाते जो भी सवाल उठाया है जो भी शिकायतें हम यहाँ लेकर आए हैं उसका रिस्पॉन्स मिलेगा अच्छा रिस्पॉन्स ये हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी इंडिया में जो सिस्टम है जो 3 मेन ऑर्गन्स वो इसी के लिए बनाया जाता है। कभी दिन लेजिस्लेटर्स जो पब्लिक लीडर है रिप्रेजेंटेटिव जो है उन लोगों ने कभी फंड को मिसयूज़ किया तो उसको चेक करने के लिए और उसको आवाज़ उठाने के लिए पब्लिक और उसको सुनने के लिए ब्यूरोक्रेट्स अथॉरिटी वो रखा जाता है ये बैलेंसिंग के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो आवाज़ है हमारा जो कंप्लेंट्स है शिकायतें हैं उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा हम उम्मीद करते हैं अरुणाचल गवर्नमेंट से, और मीडिया हाउस को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारा हम लोगों को ये मैसेज पहुंचाने का जो प्लेटफॉर्म दिया, और हम उम्मीद करेंगे कि हमारा आवाज़ ज़रूर सुनेगा। ये कॉपी हम लोगों ने सबको दे रखा है और आगे हम उम्मीद करेंगे कि कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा। धन्यवाद। लॉन्गडिंग कुमाऊ 59 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे गलत हो रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है गवर्नमेंट फंड और गवर्नमेंट स्कीम को भी यूज़ हो रहा है वो आप लोगों के सामने में ये बताना चाहूँगा। यहाँ पे लिंक रोड टू सुनवा विलेज फ्रॉम चेनिस 3 किलोमीटर ऑफ एलबी रोड ऐसे थे उसमें 2 करोड़ रुपया रखा गया है अंदर भी। तो ये सुनवा विलेज सुनवा गांव लॉन्गडिंग मेन टाउन हेड क्वार्टर से करीबन 1 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे ऑलरेडी वेल कनेक्टेड है, सड़क ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, कॉलोनी तक पहुँच चुका है, लेकिन ये एलबी रोड का तरफ से वहाँ ये सड़क बनाने का कोई ज़रूरी नहीं है, ये यूजलेस है। लेकिन ये वहाँ रास्ता जहाँ जहाँ रास्ता नहीं पहुँचा है वहाँ बनाना चाहिए था, डेवलपमेंट कराना चाहता है तो हमारा कुमाऊ साकल हेडक्वार्टर का रोड इतना कंडीशन बहुत ही खराब है, छोटा गाड़ी नहीं जा सकता है ऐसी कंडीशन में है। तो अभी और इसका अलावा यहाँ में भी हम लोग का ऐसे दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है अप्रोच रोड टू
approach was to set new settlement area Longding district. ऐसे न्यू सेटलमेंट एरिया लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट ऐसा नाम का कहीं भी नहीं है। जहाँ जहाँ सेटलमेंट है वो रोड के किनारे सेटलमेंट हो चुका है और अभी कहाँ सेटल होने वाला है वो है ही नहीं है। लेकिन ये डिस्टिनेशन नहीं होने वाला, मंजिल नहीं होने वाला, मैं रोड करना चाहता है। वहाँ पे आरडी डिपार्टमेंट के अंडर में 50 लाख रुपये रखा हुआ है और यहाँ उसके बाद यहाँ लिखा है स्वेन एरोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ डब्ल्यू आर सी फिन टीसिंग, इसे लिखा है यहाँ पर। वहाँ में स्वेन एरोशन होने वाला जगह है ही नहीं है। टीसिंग नदी इतना छोटा नदी है, ये फंड मिसयूज हो रहा है। और अप्रोच वॉट टू तिजान शाह लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट। तिजानशाह में एक जंगल है, वहाँ पे तिजानशाह में रोड बनाएगा, किसी का बेनिफिट होगा? ऐसे कुछ भी है ही नहीं है। किसी का बेनिफिट नहीं होने वाला जगह में, यहाँ पे अपना अपना खेती बाड़ी है, वहाँ रोड बना के जाएगा, पब्लिक का बेनिफिट नहीं होगा, वो बहुत ही गलत कर रहा है। उसके बाद यहाँ चौथा नंबर में ऐसे लिखा हुआ है अप्रोच रोड टू जानफो एग्रीफिन। जानफो एग्रीफिन मैंने, जानफो मैंने एक इंडिविजन का नाम है। तो किसी इंडिविजन का खेती जाने के लिए, किसी इंडिविजन का उसका प्राइवेट प्रॉपर्टी का वहाँ पहुँचने के लिए एक एक व्यक्ति को करोड़ रुपया दिया जाएगा, लाखों रुपया दिया जाएगा, तो हमारा देश में कितना नागरिक है? तो हर नागरिक को, हर व्यक्ति को इतना अगर दिया जाएगा वो तो इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए काम करने से ठीक है। और ये स्कीम जो भी दिया गया है सरकार ने, पेमा खांडू गवर्नमेंट का तरफ से, जो भी हमारा लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के लिए और लोंगडिंग कुमाऊ कॉन्स्टिट्यूंसी का पब्लिक के लिए जो पैसा दिया गया है वो इसे मिसयूज नहीं करने से ठीक है। ये MLA का पैसा नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए दिया हुआ नहीं है, किसी इंडिविजुअल के लिए दिया हुआ है, समाज के विकास के लिए दिया हुआ पैसा को ऐसे मिसयूज नहीं करने से ठीक है। इसको कहता है करप्शन। इसीलिए हमें ये चाहिए गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को, ये अपील करता हूँ वहाँ विजिलेंस टीम भेजे और वेरीफाई करके, वेरीफिकेशन करके वो टीम आने से ठीक है, वेरीफिकेशन टीम। इसीलिए हमें ये जिस व्यक्ति ने करप्शन करने जा रहा है वो चीज़ को गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं देना चाहिए, ये उम्मीद करता है पब्लिक का तरफ से। इसीलिए हमारा लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में जो भी प्रॉब्लम है हो रहा है, जो भी गवर्नमेंट फंड मिसयूज हो रहा है, वो गवर्नमेंट का तरफ से ये अपील, गवर्नमेंट को ये अपील है, उसको विजिलेंस टीम आके वेरीफाई करके अच्छा से ये करे। धन्यवाद। रोड टू सिनोवा विलेज PWD 2 करोड़ है जिसपे, और अप्रोच रोड तुमतोंग 1 चैटिंग और तुमतोंग 1 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल करके जो है वो भी PWD इसमें 50-50 करके हैं। और लैंड प्रोटेक्शन वर्क एट वंगसुहम, एंड लेम्फो एरिया चैटिंग जाटिंग कॉलोनी यौसा 50-50 करके, 50-50 लाख के हैं, 2 है। मिलाकर 1 करोड़ है जिसका। और
प्रोटेक्शन के बाद, ग्रैंड प्रोटेक्शन के बाद है यहाँ आपका अप्रोच रोड है टू न्यू सेटलमेंट एरिया लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट 50 लाख। सोइल इरोजन एंड प्रोटेक्शन ऑफ डब्ल्यूआरसी फील्ड एट टिसिंग चाटिंग लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट 50। अप्रोच रोड टू तिजानशिया लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट ये भी 50 है, और अप्रोच रोड टू लनपो एग्री फील्ड लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट ये भी 50। ये आरडी में है, रूरल डेवलपमेंट। और नेक्स्ट है आपका वॉलीबॉल ग्राउंड एट पुमा विलेज, वॉलीबॉल ग्राउंड एट महिवा विलेज, वॉलीबॉल ग्राउंड एट लोंगफोंग विलेज, वॉलीबॉल ग्राउंड एट मिंगथोंग विलेज, वॉलीबॉल ग्राउंड एट न्यावनु, जनरल ग्राउंड एट वी के वी न्यावसा, वॉलीबॉल ग्राउंड एट टिसा कैंप, वॉलीबॉल ग्राउंड एट सिनवा कैंप एंड वॉलीबॉल ग्राउंड एट लोंगखाव। ये आर डब्ल्यू डी के अंदर में है, जिसका 20 ईच। हाँ सॉरी, एक है यहाँ पर वी के वी न्यावसा करके, यहाँ में 50 रखा है, 50 वी के वी न्यावसा वॉलीबॉल ग्राउंड के लिए। यस, जनरल ग्राउंड, सॉरी न्यावसा वी के वी एस आई डी में है, नया जनरल ग्राउंड तो पता ही नहीं। एस आई डी एफ में सीरियल नंबर 112 में, इसमें 50 है, वी के वी वाला में 50 है, बाकी में 20 है। और नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल ग्राउंड एट जी पी एस न्यानू लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट, ये 50 लाख का है एस आई डी एफ ने। ये हाँ ऑलरेडी है, एग्जिस्टिंग है, जिसपे वो लोग थोड़ा ये करके 2-4 मीटर एक्सटेंड करके या कुछ करके लोग ऐसे किया जा रहा है। पैसा को अभी शायद कुछ कुछ निकल भी गया होगा, कुछ नहीं निकला होगा, तो हम चाहते हैं कि इसका जो है इस तरह का मिस यूज होने ना दे, एलओसी को रोका जाए और फैक्ट्स फाइंडिंग करके ही, वेरीफाई करके इसको इन्वेस्टिगेट करके ही इसको इम्प्लीमेंट करने दिया जाए। ये फ्रेश एक कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉलीबॉल ग्राउंड करके लिखा गया है, जिसपे हाँ फ्रेश है, जिसको कहीं कटिंग हुआ नहीं है और पुराना को मेंटेनेंस करके ऐसे निकालने का इरादा रखा है इन लोगों ने। हाँ ये एनआईटी से पहले ही इन लोगों ने कटिंग करके रखा है, ये भी फिर एक सिस्टम के खिलाफ है, जो सेंक्शन हुआ नहीं, अभी फाइनेंस कंक्रेंस हुआ नहीं, जिसका यहाँ से सेंक्शन हुआ नहीं, लेकिन वहाँ से लिस्ट में रख के दरअसल काम शुरू कर दिया है, ये भी एक सिस्टम के खिलाफ है। हाँ जहाँ जहाँ रोड का बिल्कुल ज़रूरी नहीं है वहाँ कटिंग किया जा रहा है, और जो अभी 3-4 किलोमीटर दिखाया जा रहा है वहाँ में, अभी सचमुच में ग्राउंड में जाकर देखा जाए तो वहाँ में 1 किलो से या 1 किलो 1 पॉइंट समथिंग के अलावा वहाँ में 4-5 किलो निकलने का कोई जगह नहीं है, ये एकदम फैक्ट है, क्योंकि हम लोग भी वहाँ के रहने वाले लोग हैं, हम लोग को उसका वकील है। ज़रूरी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्पेशली अभी जो एक सिनवा बस्ती का ये मेरा साथी ने जो बताया था, वहाँ ऑलरेडी रोड से 3-4 रोड से कनेक्टेड है। ये 2022-23 का सवाल उठाया जा रहा है, एक्चुअली ये लेके आ रहा है, लेकिन इससे पहले भी 2021-22 में भी बहुत सारा रोड कटिंग वहाँ पे हो चुका है, क्योंकि एक गांव में वहाँ से कुछ हमारा मतलब हमको समझ में नहीं आता कि एक जगह से इतना पैसा जस्ट नेमशेक के लिए रोड का नाम में पैसा निकालने क्यों जा रहा है।